Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use heave a sigh of relief. Friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा heave a sigh of relief का क्या यूज है, यानी हमें कैसे स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हीव अ साई ऑफ, जिसका मीनिंग होता है राहत भरी सांस लेना या राहत की एक सांस लेना। हम हीव अ साई ऑफ रिलीफ का यूज तब करते हैं जब हमारा सेंस हो टू सडन फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड। हम ही बस साई ऑफ रिलीफ का यूज तब करते हैं जब हमें अचानक कोई खुशी मिले क्योंकि कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी तकलीफ देह काम जो नहीं हुआ या जो गुजर गया। तो इस सेंस में हम ही बस साई ऑफ रिलीफ का यूज करते हैं जिसका मीनिंग होता है राहत भरी सांस लेना। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। जब वह चली गई मैं राहत की सांस लिया, इसे कैसे बोलना है? When she went, यानी जब वह चली गई। ये सेंटेंस गुजरा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप सेकेंड फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, आप पार्ट 7 देखिए जहां आप सेकेंड फॉर्म के बारे में डिटेल से जानेंगे। When she went, जब वह चली गई, I heaved a sigh of relief, मैंने एक राहत भरी सांस ली। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। जब तूफान खत्म हुई हम राहत भरी सांस लिए या हम राहत की सांस लिए। आइए फ्रेंड्स देखें कि इसे कैसे बोलना है। When the storm is over, we heaved a sigh of relief, हम राहत भरी सांस लिए या हम एक राहत भरी सांस लिए के लिए हम लिखेंगे We heaved a sigh of relief। जब तक मैं कामयाबी नहीं पाऊंगा मैं राहत भरी सांस नहीं लूंगा। तो फ्रेंड्स आप इसे कहेंगे Unless I succeeded, I shall not heave a sigh of relief, यानी जब तक कि मैं कामयाबी ना पाऊं मैं राहत भरी सांस नहीं लूंगा या चैन की सांस नहीं लूंगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको Heave a sigh of relief का कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मेक और डू में क्या फर्क है, यानी किस कंडीशन में हमें मेक और डू का यूज करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स मेक और डू का कंसेप्ट समझें। बहुत दिलचस्प लेसन है, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डू का यूज देखेंगे, उसके बाद हम मेक का कंसेप्ट समझेंगे। फर्स्ट डू इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वर्क जॉब और टास्क। डू का यूज हम तब करते हैं जब हम बात वर्क जॉब या टास्क की करें। आप ये बात याद रखेंगे दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, डू से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होता। आइए इस बात को एग्जांपल में देखें। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? तो यहां हमने डू का यूज किया, क्यों? क्योंकि यहां बात काम की हो रही है। आई वुड लाइक टू डू दैट जॉब, मैं वह काम करना पसंद करूंगा। हमने यह वर्ड डू का यूज किया क्योंकि हम किसी जॉब को करने की बात कर रहे हैं। आइए डू का अगला यूज देखते हैं। डू इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू एक्टिविटीज इन जनरल विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। फ्रेंड्स डू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जनरल एक्टिविटीज की बात करें, यानी जब वह काम स्पेसिफिक ना हो तो हम डू का यूज करते हैं। इन दिस केस वी नॉर्मली यूज वर्ड लाइक थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईटीसी। और इस केस में जो आमतौर पर हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है थिंग,
समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग। चलिए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ सिर्फ खड़े ना हो। डू समथिंग, कुछ करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा काम करना है ये बात स्पेसिफिक नहीं है, बट ये है कि कुछ करो। तो हम डू का यूज तब करते हैं जब वह काम स्पेसिफिक ना हो बल्कि जनरल एक्टिविटीज हो। सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है, यानी यहाँ वर्ड डू का यूज एक जनरल एक्टिविटीज में हुई है। दे विल डू एवरीथिंग, वे सब कुछ करेंगे। अब क्या क्या करेंगे ये बात स्पेसिफिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई। हम डू का यूज जनरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, यानी जब वो काम कोई स्पेसिफिक ना हो तो हम डू का यूज करते हैं, और इस कंडीशन में वर्ड थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होती है। वी समटाइम्स यूज डू टू रिप्लेस अ वर्ब व्हेन द मीनिंग इज क्लियर और ऑब्वियस। फ्रेंड्स, कई बार डू का यूज किसी वर्ब की जगह करते हैं, यानी एक वर्ब को रिप्लेस करके डू का यूज करते हैं, और ऐसा तब करते हैं जब वह वर्ब पहले से पता हो या जाहिर हो। और फ्रेंड्स, दिस इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश, और ये बात इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बहुत आम है, या ऐसा आम तौर पर किया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, डू आई नीड टू डू माई हेयर। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा है डू माई हेयर, और इसका मतलब हुआ क्या मुझे अपने बालों को झाड़ने की जरूरत है, यानी यहाँ डू माई हेयर मीन्स ब्रश माई हेयर। यहाँ डू का यूज ब्रश या कोम से है, यानी अगर हम कहें डू माई हेयर, इसका मतलब ब्रश माई हेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड ब्रश को रिप्लेस करके डू आया है। क्यों? जब काम पता होता है या कौन सा काम है ये बात जाहिर होती है, तो हम वहां पर डू का यूज करते हैं उस वर्ब को रिप्लेस करके। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है, हैव यू डन योर डिशेस, क्या तुमने अपने बर्तन धुल लिए हैं, या क्या तुमने अपने बर्तन साफ कर लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड डन आया है। डन योर डिशेज मीन्स वॉश्ड योर डिशेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने सीखा कि यहाँ पर वर्ड डन वॉश्ड को रिप्लेस करके आया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, डू का लास्ट यूज देखते हैं। रिमेंबर, डू कैन ऑल्सो बी एन ऑक्सिलरी वर्ब फॉर मेकिंग क्वेश्चंस इन प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल के लिए, डू यू लाइक चॉकलेट। तो फ्रेंड्स, डू का यूज हम प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए भी करते हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि डू का यूज प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं कि मेक का क्या यूज है, यानी हम किस कंडीशन में मेक का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मेक का यूज प्रोडक्ट, मटेरियल या ओरिजिन के लिए करते हैं, जैसे मेक इज यूज टू इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट और द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक समथिंग। फ्रेंड्स, हम मेक का यूज तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है, या उसके बनने का जो जरिया है यानी जो स्रोत है या ओरिजिन है वो क्या है। जैसे हिज वेडिंग रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका जो शादी का रिंग है वो सोने का बना हुआ है। तो यहाँ हमने मेड का यूज किया ताकि हम बता सके कि ये जो रिंग है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। द हाउस इज मेड ऑफ अडोब, यह घर ईंट से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां हमने मेड का यूज किया, क्यों? क्योंकि हमको बताना है कि ये जो घर बनी हुई है इसका मटेरियल क्या है या इसका जरिया क्या है। वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, शराब अंगूर से बनता है। यहां मेड का यूज हुआ ताकि आप समझ सकें कि ये शराब बनने का जो जरिया है या ओरिजिन है वो है ग्रेप्स। तो फ्रेंड्स, मेक का यूज हम तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है या किस जरिए से बना है, किस ओरिजिन से बना हुआ है। आइए फ्रेंड्स, मेक का दूसरा यूज देखते हैं।
We use make for certain nouns about plan and decisions. Friends, हम make का use plan और decision के लिए करते हैं. जैसे Friends, हम make का use तब करते हैं जब हम किसी काम को plan करें या किसी काम की होने का decision लें. जैसे He has made arrangements to finish the work easily. उसने अपने काम को आसानी से खत्म करने के लिए एक अरेंजमेंट किया. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम वर्ड मेड का यूज किए. क्यों? क्योंकि वर्ड मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम को प्लान करते हैं. यू नीड टू मेक डिसीजन राइट नाउ. आपको अभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत है. तो फ्रेंड्स, यहाँ यूज हुआ मेक डिसीजन. तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि जब हम किसी काम को प्लान कर रहे हैं या जब हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम मेक का यूज करते हैं. वी यूज मेक फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्शन और रिएक्शन. हम वर्ड मेक का यूज किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं. जैसे यू मेड मी हैप्पी. तुमने मुझे खुश कर दिया. तो फ्रेंड्स, यह वर्ड मेड से किसी रिएक्शन का पता चला कि कुछ होने के बाद कुछ हुआ, यानी तुमने मुझे कुछ कहकर खुश कर दिया. ऑनियन मेक योर आईज वाटर. प्याज से तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है. तो फ्रेंड्स, यह मेक का यूज किसी रिएक्शन को बता रहा कि ऐसा करने से तुम्हें ऐसा होता है. तो हम मेक का यूज किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं. आइए फ्रेंड्स, मेक का अगला यूज देखते हैं. आइए फ्रेंड्स, मेक का लास्ट यूज देखते हैं. फ्रेंड्स, स्पीकिंग एंड साउंड्स. वी यूज मेक विद नाउंस अबाउट स्पीकिंग एंड सर्टेन साउंड्स. फ्रेंड्स, कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग यानी कोई बोली या सर्टेन नाउंस के साथ करते हैं. जैसे शी मेड अ नाइस कमेंट अबाउट माई ड्रेस. यहाँ वर्ड मेड का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है कि उसने हमारे ड्रेस के बारे में अच्छा कमेंट कही या अच्छा कमेंट बोली. प्लीज मेक अ कॉल. यहाँ वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है. डोंट मेक एनी नॉइज हियर. यहाँ कोई भी शोरगुल मत करो. तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड मेक का यूज किसी साउंड के लिए आया हुआ है. कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग या सर्टेन साउंड्स के लिए करते हैं. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको डू और मेक का यूज समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलना. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.